السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. अज़ीज़ान गिरामी, रब्बुल आलमीन ने उम्मते मुस्लिमा को खिताब करते हुए इरशाद फरमाया है कि दीन में पूरे पूरे दाखिल हो जाए और शैतान के नक्शे कदम पर न चलो। दरहकीकत ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो दीन का मतालबा हमसे ये है कि जिस वक्त भी इस्लाम के दायरे में कोई भी मुसाफिर नौवारिस दाखिल होता है, इस राह में कदम रखता है, तो उसके बाद पूरी जिंदगी, इंसानी जिंदगी के जितने भी तकाजे हैं, वो इंफरादी हों या इज्तिमाई हों, वो सारे के सारे रहें रब्बुल आलमीन की इताअत अहकाम के ताबे होने चाहिए। जो लोग शुरू दौर में भी इस्लाम में दाखिल हुए उनको भी बता दिया गया कि देखो, अब तुम्हारे ख्वाहिशात, तुम्हारी अपनी पसंद और नापसंद का अब कोई दखल अल्लाह के दीन में अब नहीं होने वाला। एक बात तो ये मुस्बित, और खास तौर से ये भी इन ईमान के हामिलों को बताया गया कि देखो, तुम जाहिलियत के दीन से, निजाम जाहिलियत से अब इस्लाम में दाखिल हुए, तो बहुत सी चीजें अभी तुम्हें जाहिलियत की भी शायद कभी उकसाएं, बड़ी अजीज होती हैं। माजी इंसान को बड़ा अजीज होता है, रस्म रवाज, बाप दादा की मोहब्बतें, तौर तरीके, कस्टम। तो बता दिया गया कि अब दीन में दाखिल होने के बाद ऐसा ना हो कि पुराने दीन की बातें जो हैं वो तुम्हें याद आने लगे, जिस जाहिलियत के निजाम हयात को तुम छोड़ करके इधर आ गए हो, अब ये ना हो कि उसके पैचेस इस दीन में आकर तुम्हारे लगने लगे। और ये बड़ा नाजुक मसला है, इसलिए कोई बिदअत, कोई रस्म रवाज, कोई जाहिलियत की तरह अब इस दीन में दाखिल होने वाली नहीं। अब हमेशा के लिए उसको खुदा हाफिज को, अब जिस दीन में तुम दाखिल हो गए हो, अब ये दीन अलग से लेकर याद, वही इलाही की रोशनी में तुम्हारे सामने जिंदगी के तमाम तकाजे लाए। तो आज भी आप देखें, बिलखसूस पाकिस्तानी जो माशरा है, अगर इस पर निगाह दौड़ाइए आप,
तो इसका भी बहुत बड़ा मसला यही है कि ये दीन में शायद आज नहीं सदियों से मुकम्मल तौर से दाखिल नहीं हुआ। आज आती तहरादा बसे एक सदियों की तारीख हमारे पास है और आज भी यही मामला है। कहीं शिर्क दाखिल किया गया, इस्लाम के साथ साथ चला, इस्लाम का हिस्सा बन गया माजल, जो जिद है बिल्कुल इस्लाम की तौहीद, और वो अब जो है सदियों के इनेकाद के नतीजे में, या जो बात मैंने शुरू नहीं कही है कि चूंकि एक पुराने दीन को छोड़ करके ये नए दीन में दाखिल हुए हैं, हिंदू कन्वर्ट हुए, सिख कन्वर्ट हुए, तो माजी के जितने भी शास्त्राने थे, मुशिकाना अकायद, मुशिकाना रसूमात, वो किसी न किसी हवाले से इसके साथ चलते रहे और उसका तसलसल जो है आज तक बाकी, कम से कम हमारे माशरे के अंदर इस वक्त जेरे बहसे जो पाकिस्तानी माशरा है या बरसरी का माशरा कह, शिर्क भी दाखिल हुआ इसमें और आज भी है। बिदात कल भी थी आज भी, इस्लाम के साथ इसी तरह एक गरोह जो है इन्हीं इस्लाम के नाम लेवाओं जो अपने को सेकुलर कहते हैं, कहते देखो भाई दीन जो है ये प्राइवेट मामला है, मस्जिद को महदूद रखो, मंदिरों तक महदूद रखो, गुरुद्वारों और चर्च तक महदूद रखो, जिससे यूरोप ने किया उसे जान छुड़ा ली। अब उनका जो कुछ भी अतीदा है वो चर्च का कहते हैं, शादी किया मना जीना अल्लाह अल्लाह कहते, तो सेकुलर जो है जहन का मालिक आदमी यही कहता है कि साहब स्टेट का इससे कोई ताल्लुक नहीं, सरकार का इससे कोई ताल्लुक नहीं, आपका अपना जो अकीदा है उस अकीदे पर जो है आप कुर्बान चढ़िए, इबादत का जो अंदाज है आप उसको इख्तियार कीजिए, स्टेट इस मामले के अंदर जो है बिल्कुल न्यूट्रल है, जिस तरह इंडिया ये कहता है सेकुलर है हम दखील नहीं होते, अलग ये भी गलत अमला ऐसा नहीं। और अब हमारे यहां भी एक बहुत बड़ा गरोह जो है इस मतलब फिक्र को हामिल है जो फैला रहा है इस हकीकत को कि साथ हम सेकुलर, इसने बड़ा मसला पैदा किया है मस्जिद दीन अपने हद तक रखो, ये प्राइवेट मामला है इसको प्राइवेट रखो, जो तुम्हारा अकीदा है जो तुम्हारा अमल है उस पर कार्बन रहो और स्टेट इससे बिल्कुल पाकोसाथ है। ये एक दूसरी गुमराही है जिसके लिए रब्बुल आलमीन फरमाते हैं खुलो विस्तिल नकाब का, ये नहीं होगा, ये तकसीम नहीं होगी। इसी तरह आप और बहुत से ऐसे फितने आज आपको माशरे के अंदर मिलेंगे जिन्होंने दीन को इसी रुख पर लाकर डाला है और ये बहुत बड़ा फितना है जो इस वक्त हमारे लिए चैलेंज बनकर आया है। बड़ी शिद्दत के साथ जो है इस पाकिस्तान की इस्लामी हमीयत को और दीन के तकाज़ों को मजरूह कर रहा है दिन ब दिन, ये तसव्वुर दीन का नफूस कर रहा है। मौसूखी कल तक इतनी आम नहीं हुई लेकिन आज आप देखें इस तरह रगों के अंदर यह उतार दी गई है कि अब तो सियासी जलसे जो हैं वो भी गुलोकारों के जरिए जो है वो कामयाब किए जा रहे हैं। एक मुख्तसर सा तस्करा मैं इसलिए कर रहा हूं कि वो लोग
जो वाकई में अल्लाह के दीन का सही फहम रखते हैं, अगर उनकी जबानें गुम हुई, ये अज़ाब दस्तक दे रहा है बड़ी तेजी के साथ, रब्बुल आलमीन दस्तक दे रहा है। बल्कि मैं तो ये कहता हूं घर में दाखिल हो चुका है, ये बाहर ही जाए, छोड़ेगा नहीं, ये सुन्नत है अल्लाह की। लेकिन हम और आप जो दीन का सही फहम रखते हैं, या वो अल्लाह के बंदे जो दीन का सही फहम रखते हैं, अगर वो बेदार न हुए और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी महसूस न की, खामोशी का ये जो अंदाज है ये न बदला, ये मोहर न टूटिएगा, तो फिर इनको भी अल्लाह का आजाब जो है अल्लाह न करे अपनी लपेट में लेगा। ये समझ लीजिए, जितने अहले इल्म यहां हैं वो भी, और जितने अहले इल्म यहां नहीं है वो भी सुन ली इस बात कि अरेला बड़ा शरीर आ रहा। अब हर तरह से इस्लाम को बिल्कुल जो है चू चुका मुरब्बा बनाया जा रहा है, जिसमें मैंने चंद फितने के, पहले शिर्क था, बिदात थी, रसूमात थी, फिस्क थी, फांसी थी, म्यूजिक थी, हाथ मिलाने का मसला देखिए, देखे क्यों। तो ये जो कैफियत पैदा हो रही है कि इतनी जुरातें आ रही हैं और इतना डाइल्यूट कर दिया गया है रब्बुल आलमीन का दीन, सियासत अलग रखो, हुकूमत अलग रखो, दीन अलग रखो, कोई एजुकेशन का कोई मसला नहीं है, मखलूत इज्तिमा जो है कोई मायूस की बात नहीं है, बल्कि वो तमाम फितने जो बहरहाल माशरे के अंदर पहले अलग अलग थे, अब आकर के दीन का हिस्सा बन गए हैं, माशाल्लाह दीन में आकर के दाखिल कर दिए गए हैं। उसको सिल में काफ था, ये नहीं, दीन में पूरे दाखिल हो, माजी की जाहिलियत की कोई चीज भी अब इसमें शामिल होने वाली नहीं है। और आप देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तब्दीली लाए माशरे के अंदर, और सारे कराम रिजवान अलमईन के अंदर जो ये एक उम्मत की सूरत में उभर के टीम आई, उन्होंने यही किया, जाहिलियत की जो चीज छोड़ दी थी उन्होंने मक्के में या मदीने में अंसारियों ने, वापस नहीं लाए, यही भूले बसी दास्तान हो गई, कोई कस्टम, कोई रस, कोई सकाफत, कोई तरीका जो माजी के अंदर उनके रगोपाए के अंदर बसा हुआ था, अगर अल्लाह के दीन ने उसको जाहिलियत का हिस्सा करार दिया था, अब उसके बाद फिर उस दीन में शामिल नहीं। ये आज की मेरी गुफ्तगू का जो है गुफ्तगू का जो बिलवाद है, और इस सिलसिले में कुछ हदीसें आपके सामने लाऊंगा। पहली रवायत जो है तिर्मिज़ी और अबू दाऊद की है, और नासिर अल्बानी ने जो है अपनी तहकीक के हवाले से इसको सही करार दिया है। عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين اقوام يتخذون يا بائهم الذين ماتوا انما هم فهم من جهنم। ये तिर्मिज़ी और अबू दाऊद की रवायत का शुरू का हिस्सा मैंने पढ़ा है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवायत करते हैं कि आपने फरमाया कि देखो जरूर बिल जरूर कौम को इस हकीकत से खबरदार होना चाहिए कि वो अपने आबा पर फख्र करें, बाप दादा, कौन से बाप दादा, अल्लज़ीना मातू, जो मर चुके हैं जाहिलियत की मौत, कुफ्र पर, शिर्क पर, कौमियत पर, कौमियत ध्यान में रखिए ये बुत है, दीन मुआहिद दिन रात नारा लगाता है, सारे अंबिया की दावत पर नजर किया है, ला इलाहा ला इलाहा नबी सारे ला, तो यकीनन ये लुबिलुबाब है पूरे दीन का, ला इलाहा में सब कुछ मौजूद है, हर चीज की नफी, सिर्फ कब्रों की नफी हो, सिर्फ बुतों की नफी हो, इस चीज की नफी ना हो,
डेमोक्रेसी की नफी ना हो, बजाती मस्ती घाटे आपका सब चश्मा आवाम इसकी नफी ना हो, आबा परस्ती की नफी ना हो, ऐसा नहीं, हर चीज की नफी है। नबी अल्लाह फरमाते हैं कि सुन रखो, जो लोग अपने आबा अजदाद के झूठे दीन पर झूठी मोहब्बत पर फर्क करने से बाज नहीं आते हैं, उन्हें चाहिए बाज आ जाएं। कौन से? अल्लज़ीन मातू, मर चुके हैं, गए। इन्नमा हुम फामुम मिन जहन्नम, ये जहन्नम का कोला बन चुके हैं, जहन्नम का ईंधन बन चुके हैं। यानी कौमें भी इस पर सब्र कर रही हैं कि मेरा अब्बा ये था, मेरा दादा ये था, मैं उनका वारिस हूं, उनकी जबान बोलता हूं, उनकी नस्ल से हूं, उनके कौम से भी हूं, उनके इलाके से मैं हूं। फर्क कर रहा है ना, आज इस पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इसी बस फर्क हो रहा है, इल्ला माशा अल्लाह, सब फर्क कर रहे हैं, हमारी कौम, हमारी जबान, मेरे हुकूक, जी रहे हैं इस पर, मर रहे हैं इस पर। और नबी अल्लाह फरमाते हैं, अरे नादानो, बेवकूफो, अहमको, जिन पर तुम फख्र कर रहे हो, रुक जाओ, भाग आ जाओ, ये तो जहन्नम में चल रहे हैं, ये जहन्नम में ईंधन, जहन्नम को लगने में कैसे नादान हो, इन पर फख्र कर रहे हो, इनके लिए मर रहे हो। आज मुल्क में यही तरीके उठ रहे हैं, मैं किसी जबान का जबान को हदफ नहीं बना रहा, लेकिन एक तड़पते हुए दिल से आवाज निकाल रहा हूं कि इस माशरे के अंदर कितनी कौमें ऐसी हैं जिनका आज यही हदफ, यही न्यूक्लियस है, यही फोकस है, हालांकि वो जहन्नम के आग से कोयला बन चुके हैं। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, औ लेकुनन अहबन अल्लाह, और ये भी सुन लो कि अल्लाह के नजदीक इतने जलील हैं, यानी इन कौमों के नजदीक तो बड़े इज्जत वाले, बाबा बाबा हमारा जान देंगे उसका, और रब्बुल आलमीन के नजदीक ये कौन थे, अहवन अल्लाह मिन अल जौलिल लजी युदही फरा बिल अंत, कि जो गलाजत का कीड़ा जो ढकेलता है गलाजत को अपने नाक के जरिए, यानी गंदगी का कीड़ा है, गलाजत का कीड़ा है, नजाजत का कीड़ा है, जो धक्के लगाता है, खेलता है अपने नाक से गलाजत को, उससे भी ज्यादा जो है अल्लाह के नजदीक वो लोग कि जिन आबा पर तुम फख्र कर रहे हो, ये उससे ज्यादा जो है रब्बुल आलमीन के बारगाह में जो है जलील है। इन्नल्लाह फरज़बा अन्कुम हुवैयतल जाहिलिया, अल्लाह ने तुमसे जाहिलियत का ये फख्र दूर कर दिया है, तो फख्र बिलाबाज, जो आबा के हवाले से, आज जितनी कौम परस्ती है किस हवाले से, आबा के हवाले से, तो है मुझे इस जबान के लिए जीना और मरना है क्योंकि मेरे आबा की जबान है, मुझे इस कल्चर पर मर मिटना है क्योंकि मेरे आबा के कल्चर है। नबीरों सहाबा से फरमाते हैं कि सुनो, रब्बुल आलमीन तुमसे इस आबा के जाहिलाना फख्र को ले गया, तुम्हें तो बचा लिया इससे, तुम्हें तो उसने दूर कर दिया इससे। और फिर आपने फरमाया कि देखो, अब इंसानों के दो तकसीम है, सुन लो, कान खोल, आप भी सुनिए, मैं भी सुनो, और दिल के अंदर छाप करके इसका जायजा लिए, दो तकसीम है। अगर जन्नत जाना है इंशाल्लाह, इससे कम कभी जन्नत का सौदा नहीं है, दो तकसीम है, इन्नमा हुआ मोमिन मुत्तकी, एक तकसीम उनकी है जो मोमिन है मुत्तकी, बस इन्ना अकमकुम इंदा अल्लाह अत्ताक, एक तकसीम बची है, कोई कौम, कोई नस्ल, कोई रंग, कोई जबान, कुछ भी नहीं है, कोई सूबा, कोई इलाका, भूल जाओ सब, निकाल दो जहनों से, दिल से स्प्रेड दो, फिर दो तकसीमें हैं, इन्नमा हुआ मोमिन मुत्तकी, मोमिन और मुत्तकी एक तरफ,
او فاجر شقی، یا پھر یہ گمراہ فاسق فاجر اللہ کے باغی، دوسرا رویہ یہ درمیان کوئی معاملہ نہیں، اور کوئی علامت ہی نہیں ہے کامیابی اور ناکامی کے حوالے. کلہم بنو آدم و آدم من تراب، اور یوں تو سب آدم کے بیٹے ہیں اور آدم علیہ السلام سے مٹی سے بنے تھے. تو اس کو ذہن میں رکھیے، یہ فتنہ جو ہے بین الاقوامی فتنہ ہے، ساری دنیا میں کم و بیش شیطان اٹھائے ہوئے اس خطے کو، لا الہ الا اللہ کلمہ کے خلاف شیطان مختلف راستوں سے یہ الہ لے کر آتا ہے، اور بدقسمتی سے آج ہمارے ملک کے اندر یہ الہ قومیت بڑی شدت سے ابھر کر آیا، بہت شدت. ہر آدمی جم کر کے اعتماد کے ساتھ ڈنکے کی چوٹ اب قومیت کی طرف آباد ہو رہا ہے، اور اپنی سیاست اپنی اجتماعیت کی ساری کی ساری شیرازہ بندی جو ہے اس بنیاد پر ملتا ہے. اصل مسئلہ ہمارا جو ہے وہ آخرت کا ہے، تو آخرت کے حوالے سے ذہنوں سے یہ چیز بالکل نکال دیجئے، ورنہ جو ہے میاں کوئی بچے نہ بچے ہمارے آپ کے لیے بھی جو ہے کل اللہ کی عدالت میں جو ہے وہ بچنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہو جائے. ایک روایت اور جو بخاری و مسلم کی ہے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان آل ابی فلان لیسوا بی اولیاء. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ان آل ابی فلان، کہ فلاں آپ نے جو راوی ہے حدیث کا وہ کھول نہیں رہا ہے کہ یہ بنو فلاں کون ہے، نقل ہے جو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا، اور یا مراد جو ہے آل ابی طالب، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آل ابی طالب جو ہیں لیسوا بی اولیاء، یہ میرے دوست نہیں ہیں، میرے رشتے داری ہے نا، خون کے حوالے خاندان کے حوالے سے، ایک اسٹاک اور ریس کے حوالے سے. تو آپ نے بتا دیا کہ یہ آل ابی طالب جو ہے وہ میرے دوست نہیں ہیں، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے نام لیا ہے. دوسری محدثین نے اس نام کو کھولا اور وہاں آل ابی طالب لفظ آ گیا. انہوں نے اپنے مسلحت کے لحاظ سے لوگ پولیٹیکل اس کو ایشو بنائیں گے، اس کو نام نہیں دیا، لیکن نبی نے فرمایا کہ آل ابی طالب میرے دوست نہیں ہیں. سمجھے آپ آج کیا کسی پر تو ایک دین چل رہا ہے، آج پر تو پورا دین چل رہا ہے، 99.9% صحابہ کو جو ایکسکلوڈ کر دیا گیا. نبی فرمایا کہ نہیں یہ میرے دوست نہیں ہیں، لیسوا بی اولیاء، یہ میرا دوست نہیں، انما ولی اللہ، سن رکھو میرا دوست تو اللہ ہے، وصالح المومنین، اور صالح مومن نیک مومن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ خاندان والے اگر شرک کے ساتھ ہیں کفر کے ساتھ ہیں تو اس بنیاد پر کہ یہ میرے خاندان کے ہیں رحم کے رشتے کے ہیں یہ میرے دوست نہیں ہیں، میرے سے کوئی تعلق دوستی کے لحاظ وراج کے لحاظ. میرے دوست کون ہیں؟ اللہ، میرا دوست اللہ اور صالح المومنین، صالح مومن میرے دوست. اس پر ہمیں اور آپ کو استوار ہونا ہے، اللہ ہمارا دوست ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. آج میں ساری پڑھتے ہیں ہم آپ، اور دوستی کے لیے معیار نہیں بنتے ہیں کہ اللہ اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صالح مومن، یہودی بھی ہمارا دوست، عیسائی ہمارا دوست، اوباما کیا کہتا ہے دنگے کی چوٹ کہتا ہے یہودیت کے تقدس کو ہم برقرار رکھیں دنگے کی چوٹ کہتا ہے تقدس تقدس چھڑا روکتا ہے
और नजर में बरमाते हैं। यहूद नसारा छोड़ो, ये मेरे खानदान के लोग आर्य अबू तालिब मेरे दोस्त नहीं, मेरा दोस्त अल्लाह है, और साले मोमिन है, बिलाल मेरा दोस्त है, हबाब मेरा दोस्त है, शहद मेरा दोस्त है, या अंसारी मेरे दोस्त है। नहीं फरमाया था कि माजरीन भेड़ बकरियां ऊंट लेकर जाएं, अंसारियों क्या तुम इस बात पसंद नहीं करोगे कि तुम मुझे अपने साथ ले करो। जब दर्जात करेला मुनाफिकीन ने घोटा दिया आप फितने जिहाद, तब नबी ने फरमाया कि अंसारियों क्या तुम नहीं पसंद करोगे कि ये लोग ऊंट घोड़े और बकरियां लेकर के अपने घरों में जाएं, खुशी खुशी बहुत खुश हो जाएं, मार लेकर जा रहे हैं ये महाजरीन, और तुम मुझे लेकर जाओ। अंसारियों ने कहा ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए हमें आप। तो जब पाकिस्तान के खमीर में कौम के मिजाज के अंदर अगर ये चीज नहीं पैदा कर सकोगे तो कुछ भी नहीं होता है। ये गुलशन अल्लाह न करे जल के रहेगा, जलेगा, इंतकाम बोलेगा, बोले रहा है लाख बन बातों, जब उसके कदरें उसके दीन की सारी बुनियादें धाने पर इंसान आ जाए तो उसके बाद फिर वो कोड़ा बरसा नहीं पड़ाता। नबी फरमाते हैं मेरा दोस्त अल्लाह है और साले मोमिन है। हाँ रह गए ये रहम के रिश्ते हैं, मैं इनको सही दूंगा, मैं इनके साथ कतर रहमी नहीं करूंगा, सिले रहमी का मुझे हुक्म दिया गया है, मैं करा बदार हूँ सिले रहमी करूंगा, चाहे मुश्किल हो ना माँ हो बाप हो भाई हो बहन हो चचा हो दादा हो कोई भी हो, सिले रहमी अपनी जगह, लेकिन दोस्ती नहीं, विलायत नहीं। समझे? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने अकरबा के साथ जो है कौमियत की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर, खूनी रिश्तों की बुनियाद पर दोस्ती करने के रवादार नहीं है। हम और आप अगर माज़अल्लाह दोस्ती पर आ जाएं महज रहम के रिश्तों की बुनियाद पर, तो आप सोचते कि फिर उसके बाद जो है और कहां जो है वो पना मिलने वाली। फिर ये वो चीज थी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर लोगों के दिलों के अंदर उतारे। तो हम और आपकी इज्तिमाइयत की बुनियाद जो है वो सिर्फ यही है दीन। और देखते अगर हमने में से कोई किसी कौम से ताल्लुक रखता है और इस पर वो फख्र करता है और इसके लिए उसके दिल में कोई जज्बा हमदर्दी है तो फिर प्लीज वो यहां से चला जाए, हमारा हम सफर नहीं, हमारी हमसफरी के लिए मेरी जात से भी वो सारे रिश्ते और नाते बिल्कुल गैर बन जाएं जो अल्लाह के दीन की हद करें और आपके लिए कोई रिश्ता। हाँ रहेंगे रिश्तों की हकूक है, वादा कीजिए कोई नहीं रुकता, विलायत दोस्ती मोहब्बत ये नहीं होगी, ये मुमकिन नहीं। फिर एक अबू दाऊद की एक रवायत आती है कि अब्दुर्रहमान में नबी अकबा कहते हैं अबू अकबा से रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व कान मौला मिन आले फारस, कि ये अबू अकबा जो थे ये अहले फारस के आजाद करदा गुलाम, قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم احدا, कहते हैं कि ग़ज़वे उहद में नबी सल्लम के साथ क़िताल कर रहा है। अब जाए बहुत कमाता, आप देखिए दूसरा ग़ज़वा है तीन हिजरी, कहते हैं मैं उहद में रसूलुल्लाह सल्लम के साथ जो है वो मैदान क़िताल में खड़ा हुआ, फ़ज़रफ़्त रजुलन मिनल मुशरिकीन, और उसके बाद मैंने एक मुशरिक को जो है तलवार उठा करके बात करके कोशिश की, बहुत उस जमाने में आप जानते हैं कि लड़ाई बहरहाल तीरों की भी होती थी और तलवार से दुबदू होती, तो जब मैंने तलवार म्यान से निकाली और उसके बाद उस मुशरिक पर मैंने तानी उसको मारने के लिए, मैंने क्या कहा बकुल, मैंने कहा खुदा मिन्नी सही मेरा बात मार रहा हूं तुझे, लगा रहा हूं तुझे चरकार इस तलवार, खुदा मिन्नी थाम इसको, वानल गुलाम अल फारसी, और मैं फारसी जवान हूं फारसी गुलाम, अलग कर दो गुलाम फारस, ये उन्होंने कहा कि मैं फारसी गुलाम हूं और अब तलवार से तुझे कत्ल करने जा रहा हूं, समझ जा तू।
فلتفا الی گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے. فقال اللہ قل, یہ نہ کہو, آپ فرمایا یہ نہ کہو, مت کہو یہ الفاظ, تمہیں کہنا چاہیے کہو خذھا منی, لے میرے اس بار کو, تھام میرے اس بار کو, وانا الغلام الانصاری, میں انصاری غلام. کریکٹر آ گیا, صفت آ گیا, چھوڑو فارسی کو, وہ گیا رشتہ فارس کا. یہ کہو کہ میں فارسی غلام ہوں, نہیں یہ نہ کہو, تو اس سے لے میرا وار, تھام میں مار رہا ہوں تجھے اللہ کے راستے میں, جہنم پھینک رہا ہوں, میں ایک انصاری جوان, انصاری غلام. دیکھیے آپ میدان قتال ہے, سوچیے آپ, وہ آپ کا میدان فوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بھوک دیا. حالانکہ وہ تو اپنی نیک نکی سے کہہ رہا تھا, کوئی اذبیت نہیں تھی, لیکن چونکہ ماضی کے اندر کی چیزیں چلی آ رہی تھی, فقوں بات آپ نے ذہن ہٹا دیا, یہ کہو چھوڑو اس کو یار, یہ فارس کا معاملہ چھوڑ دو, ہم لکھنوی ہیں, ہم دلی ہیں, ہم بلانے ہیں, ہم ڈواکے ہیں, بس فخر و بہار باپ دادا کی دین نسلوں اور قوموں. تو لب لباب یہ ہے کہ ولایت رسول اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے ساتھ اور مومن صالح, یہ ہمیں میسج دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اسی پر ہمیں قائم رہنا ہے کہ ہمارا ولی اللہ ہے, ہمارا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور ہمارا ولی جو ہے مومن. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون, نمازوں کے نظام قائم کرنے والے, زکات کے نظام پر قائم ہونے والے, اور پوری زندگی اللہ کے حوالے کرنے والے, یہ حزب اللہ, یہ غالب. یہ پوری امت ہے, آج ہم نے ٹکڑ ٹکڑے کر دیا, عرب میں, عجم میں, ملکوں میں, قوموں میں, زبان اس ملت کو. تو دنیا تو جا ہی رہی ہے ہمارے ہاتھ, تو جا رہی ہے, سرک رہی ہے, یہ ٹوٹ رہی ہے, لگاؤ کہتے برابر لگایا جا رہے, ریت کی بھیڑے کھڑی کی جا رہی ہے. لیکن جس کی طرح مجھے اپنے نفس سے کہنا ہے اور آپ سے, کہ آنکھوں کی پھیر دیجیے, اور پورے معاشرے پر آپ دیکھیں دین میں ایسی ملاوٹ کی گئی. اب یہ کالم آپ پڑھیے, ایکسپریس کا کالم ہے, یہ تو سفل آدمی بے دین آدمی لینے والا عبد الفراج حسن صاحب, جماعت اسلامی کے بہت پرانے آدمی تھے, اور ان کا کالم آپ پڑھ لیے. تو یہ کتنا ہے جو مسجد کے اندر ابھر رہا, آگ لگی اس کو پڑھ کر کے, کوئی روکنے والا, کوئی روکنے والا نہیں. لکھتے ہیں, قوم کی نئی اور تازہ امید جناب عمران خان بھی عمرے پر روانہ ہو گئے اور وہاں چند دن قیام کریں گے. عمرہ تو زیادہ سے زیادہ ایک دن کا کام ہے, لیکن ہمارے لیڈروں کا عمرہ چند دنوں کا ہوتا ہے. اس سے پہلے میاں صاحب ایک طویل عمرہ کر کے آئے ہیں, مطلب یہ سارا کمنٹ عمرے پر کر رہے ہیں, جو ذہن رکھیے آپ. یا عمران خان نواز شریف زیر حرکت نہیں, عمرہ کہ عمرے کیا ماتل عمروں میں کیا رکھا. حالانکہ انہیں عمرے والی سرزمین پر اس قدر زیادہ قیام کا موقع ملا ہے کہ ہم مزید عمرے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ کل میں کچھ نہیں, اگر حج عمر کی خلافت ہوتی, عمر تو چھوڑو, عمر العزیز کی بھی خلافت ہوتی ہے اگر آج اس گردن بات ملے. کہتے ہیں کہ اس قدر زیادہ قیام کا موقع ملا ہے کہ اب مزید عمرے کی کوئی گنجائش نہیں تھی, لیکن شوق, اب عمران خان بھی اپنا شوق پورا کرنے گئے ہیں, اللہ ان کے شوق کو آنے والے الیکشن میں قبول کرے. ہمارے ان لیڈروں کو بخوبی علم ہے کہ حج تو چند شرائط کے ساتھ زندگی میں ایک بار فرض ہے. اچھا وہ شرائط بتا دو بھائی کیا ہے, من سسا نہیں کبھی کا کی شرط ہے, ان کے ذہن میں بتانے کتنی شرطیں ہوں گی بہرحال جو آگے کھلیں گے. تو میں نے شروع میں آج پڑھی تھی
जो कुल उसी में काफ था, हमारा मसला आज ये दीन आपके पास भी मेरे पास भी, लेकिन अपना मनपसंद दीन, बस बस ये है। बाकी जो नहीं दिल को लग रहा है और शाम को मारना, ये भी इनका। हमारे इंग्लिशों को बखूबी इल्म है कि हज तो चंद शराइत के साथ जिंदगी में एक बार फर्ज है, लेकिन उमरा तो महज एक नकली इबादत से करें न करें, नकली इबादत से करें न करें, इसकी कोई बातचीत से नहीं होगी। बातचीत तो मियाँ से बहुत चीजों की नहीं होगी, और दादी की बात कुछ नहीं होगी। फर्ज नमाज के बाद जितनी सुनाने उतनी बात कुछ नहीं होगी, तो बातचीत तो शायद सौ में 99 चीजों की नहीं होगी, उसका फॉलो कर दो, जरूरत ही नहीं होगी, बातचीत तो होनी। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में उम्रे की इस कदर अहमियत बन गई है जैसे इसका भी कोई शरई हुक्म है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में सिर्फ एक हज किया था, अच्छा ये नहीं बताया कि उम्रे कितनी थी, एक हज किया। और जिस उम्रे का कोई हुक्म नहीं दिया था और उम्रे का कोई हुक्म नहीं दिया, कितनी हदीस में उम्र की तरह था, रमजान में उम्र कल हज, रमजान में उमरा करो हज के बराबर। और ये फरमाने कुछ भी नहीं। वैसे बैतुल्लाह की जियारत और सवाब अपनी जगह एक बड़े सवाब का काम है, ये बड़ा एहसान किया आपने जो आप इतना ही आपने हमें कह दिया कि ये दो काम कर सकते हो, समझे। लेकिन ऐसा हमें ये सजा है कि हमारे इस्लाम और मजहब में भी इफ़्रात तफ़रीत बढ़ गई, बढ़ गई। अंग्रेजों ने आइन मसाजिद को सिर्फ इबादात तक महदूद कर दिया था, सियासत से दूर रखने का ये एक बेहतरीन तरीका था। चुनांचे ये तरीका ऐसा राज हुआ कि उलमा ने मुसलमानों को सिर्फ इबादत में लगा दिया, जबकि इबादत के और भी कई मौके थे। मतलब इंसानी खिदमत से बड़ी इबादत क्या हो सकती है, सबसे बड़ी इबादत जो है इंसानी खिदमत। बुनियाद इस्लाम वाला फंक्शन में इंसानी खिदमत का तस्करा जो मसीह दुनिया भर में कर रहे हैं, माशाल्लाह मसीह दुनिया भर में कर रहे हैं, अस्पताल बनाकर, तालीमी इदारे बनाकर, फिर जुजाम वगैरह के इलाज के इदारे बनाकर, मुसलमान इस तरह बहुत कम तवज्जो करते हैं और उम्रों पर जोर देते हैं। यहाँ मैं उलमाए किराम से सवाल ही पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जैसे मकरूज कौम पर उम्रा तो किया, हज भी फर्ज है, क्या हज भी फर्ज है? अभी तो उम्र बात कर रहे थे, अभी कहते हैं पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जो है वो व्यापारी पता नहीं कर्जे में दबा हुआ, जिसकी आता है कि पाकिस्तान का एक आदमी इतना मकरूज हो चुका है उनके कर्जों से, तो मकरूज पर तो जाहिर है हज नहीं है, समझे। मकरूज पर बाकी सब कुछ है, समझे। 65-65 करोड़ की बोली लग सकती है सेनेट के इलेक्शन में, एक मेंबर पे 5,000, 13 मेंबर लिए गए 13/65। कहते हैं 40 से लेकर 50 करोड़ पर एक कॉटन फैक्ट्री बड़े आराम से लग जाती है और 65 करोड़ पर एक सेनेट हमारा आया, 5 करोड़ एक टिकट के 13 टिकट लिए गए 65 करोड़। तो ये असल मुसीबत ये है, कहते हैं पाकिस्तान के बच्चा बच्चा मकबूल है और आप देखते हैं जिस पर फर्ज हो तो उस पर फर्ज नहीं है, तो पाकिस्तान में लोगों का है तो साबित हो तो जगात भी गई, तो जगात को लेकर जगात भी गई, सब जब मकबूल है तो जगात भी निकाल गया, जगात भी गई, हज भी गया, दो भी निकल गया। और फिर ऐसी कौम जहां लोग दो वक्त की रोटी के लिए बिलक रहे हों, इलाज से महरूम हों और जिंदगी की जायज जरूरियात को तरस रहे हों, वहां की हज जैसी इंतहाई महंगी इबादत कुछ अर्से के लिए मुलतवी नहीं की जा सकती। अरे बाबा मनसूख कर दो यार, महाजल्ला ये मुलतवी तक क्यों रख दो यार, अजीम सही साहब बाकी भी यार ये कुर्बानी करते हो कितना इसमें पैसा ज़ाया होता है, माज़ल्लाह इतनी गायें दबा कर देते हो, इतने वो मेहर कर देते हो, इतनी भेड़ लोग बकरे कर देते हो, ये करते के लिए अस्पताल खोल दो, यहाँ खोल दो, वो खोल दो, तो यार इसी तरह अगर हज के तुम खत्म कर दोगे हमेशा के लिए माज़ल्लाह, तो बहुत भी जाएंगे उसके खुल जाएंगे, बहुत सारे इदारे खुल जाएंगे जहाँ हमारे बच्चे जा करके गाना सीखेंगे, सितार बजाना सीखेंगे, गली गली कूचे कूचे माशाल्लाह सारे इदारे खुलेंगे जा करके, समझे। तो ऐसे ही तवाफे जो है सड़क पर घूमेंगी, सब खत्म कर दो, मसला ही खत्म कर दो। ताज्जुब यह है कि ये कालम नबी लिखता है और कोई उफ्तक नहीं करता। आगे चलिए साहब, अभी क्या हमारे यहां ऐसे मौके के लिए इश्तिहार हुआ करता था
अब किसी आलिम में इत्तेहाद की जरूरत नहीं है, यानी सारे दरवाजे इस्लाम के जो हैं अब बंद हो चुके हैं, एक इत्तेहाद का दरवाजा जो है उसे खोल दो, लॉबी है जमाते कितने फैल रही है, ये सब दीनदार सब मुसलमान सब इस्लाम के नाम ले रहे हैं, कौमें उधर आ रही है, निशाने उधर आ रही है, म्यूजिशियन उधर आ रहे हैं, बेहारी उधर आ रही है, इस्लाम का ये तो इधर आ रहा है, लिबरल उधर आ रहे हैं, सेकुलर वाले उधर आ रहे हैं, इस्लाम को तुम्हारे मसला बना लो उधर आ रहे हैं, कितने कितने सिर्फ यही है इस्लाम हर एक अपना 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 भला तो सभी को तो बात शैतान। मैंने हज उम्र के बारे में पहले भी लिखा है, बल्कि एक बार बात जगह दुलमा से रुजू भी किया, इन सब ने मेरे राय से इत्तेफाक किया, जगह दुलमा कौन से होंगे नाम तो लोग जय दुलमा कौन कहे, उन्होंने इत्तेफाक भी किया मगर इसकी टाइप का ऐलान करने से माजत कर दी। इसकी कई वजूहत है जो मैं इस वक्त बयान नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान के खुशहाल तबके और लीडरों से जरूर पूछता हूँ कि पाकिस्तान की हालत को देख कर उनका जमीर उन्हें उम्र रियासत देता है। मेरा दावा है कि जिस दिन जुरातमंद बहादुर सच्चा मुसलमान ऐसा ही मुसलमान अब सवाल सच्चा मुसलमान दाढ़ी मुंडा उमरा न करने वाला उम्र का कभी वोट नहीं दिया इनका सच्चा मुसलमान जब आएगा उस दिन मुल्क के वोट भी उसके होंगे और इख्तदार भी आजमाई हुई उसी के होंगे। अब आप तसव्वुर कीजिए तो मियाँ हालात के रुख को जो है भापिए देखिए, और हमारी और आपकी जिम्मेदारी या हर उस अहल इल्म की जिम्मेदारी जिसको अल्लाह ने दीन का सही फहम दिया है कि कम से कम मैसेज को आप करो अल्लाह के लिए जितना वक्त अल्लाह ने आपको दिया है दावत के लिहाज से, आज सबसे ज्यादा जरूरत दावत कर रहे मैसेज मैसेज करने नहीं होता। कोई मैसेज मेरे पास किसी ने दिया था कि कोयल बोल रही थी तो उसे कहा कि तेरी आवाज तो बड़ी सुरीली है लेकिन तेरा रंग बड़ा काला है, सुनी और बेचारी कोयल आगे गया वो इंसान तो देखा समंदर खाते मास्ता हुआ है उसे कहा अतहा स्वामी तेरे अंदर क्या कहना, लेकिन अगर तू खारा ना होता तो क्या बात थी, उस बेचारे ने भी सुन लिया। ये हजरत इंसान आगे बढ़े तो इन्होंने देखा गुलाब के फूल को खिला हुआ है तो कहा क्या खुशबू तेरे अंदर है, कितनी मुलायमत तेरे अंदर है, कितना खूबसूरत है, क्या अच्छा होता अगर तेरे अंदर कांटे ना होते। तो उन तीनों ने तेरे जबान होकर कहा कि इंसान क्या अच्छा होता अगर तेरे अंदर अपने ऐप देखने के बजाय दूसरों के ऐप पेट्रोलने की आदत न होती तो क्या अच्छा होता। तो इसलिए अपने साथियों से कहना है कि लिल्लाह ये वक्त बिल्कुल नहीं ये आयना दिखा रहा है, ये फितना है, ये वक्त जो दस्तक दे रहा है, मोटे मोटे तस्करे मैंने कर दिए हैं, हर तरफ से यह लगा हो रही है, अपनी विराट के साथ कोई रोकने वाला नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई आवाज नहीं उठता, जमहूरियत आप देखो जमहूरियत क्या क्या किया जमहूरियत देख लो सब अखबार पढ़ते हैं, मुझसे ज्यादा अवेंद्र सिंह के पास होगी समझे, मैं तो टीवी के करीब से नहीं गुजरता हूँ, जो लोग टीवी देखते हैं तो बहरहाल उसमें बहुत कुछ अवेलेबल मिलती होगी। तो जंग कहता है पूरी गाड़ी आई नोटों से भरी हुई और 17-18 सिक्योरिटी के आदमी बैठे हुए हैं मसल्ला उस गड्डियों के भाग के और भाई और सौदेबाजी हुई असेंबली हॉल के और 3 करोड़ की कमी ली वापस ली पूरी गाड़ी हुई 3 करोड़ कम पर सौदा नहीं हो पा रहा वापस ली पूरी गाड़ी हुई सबने देखा हर काफी ने उसको प्रेस में दिया जल्दी की ये असेंबलियां ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल इसकी बढ़ाए ले रहे तो यूरोप ने इस तरह के अपने हमें क्या किया था रोगी का मसला रोगी 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 गंदुम गंदुम क्या हाल हुआ मगरब ने हमें क्या दिया समाज निजाम और जमहूरियत का लॉलीपॉप दिया जमहूरियत जमहूर जमहूर क्या है का फैसला है जमूर कोई चीज नहीं फिर अंदाजी ज्यादा तुम नहीं जानता है दिन के बारे में सिरा लेने जाओ स्वागत नहीं हुआ
جو انتہائی پاکیزہ دور تھا صحابہ کا, بہترین دور تھا صحابہ کا. ایسے لوگ نمازی میں پیدا ہوئے امتوں کے اندر, نہ قیامت تک ایسے لوگ پیدا ہو سکیں گے. من ایسل امہ, یاد رکھیے بڑا ہے اللہ کا دین. اس کا انسان کی بات نہیں کر رہا, اس کا دکھا کچھ درد پہنچ جائے صحابہ کی زندگی کا, ان کی بات نہیں کر رہا. مجموعی طور ان کے معاشرے کے اندر بھی آپ دیکھیں محدود شرائط وہ کنٹرول کر رہے تھے. ہر رمضانی نہیں, اس دور میں نہیں ہوا رمضانی کا مطلب ختم. عمر رن چھ آدمی کی شورا بنائی عمر رنوں نے اور کہا ان چھ میں سے ایک بنا لینا. یہ کون نہیں جمہوریت سے مجھے بتاؤ, کون جمہوریت ان چھ میں سے ایک بنا لینا. کیوں جمہوریت عمر کیا سوچتا ہے کہ اپنی شہادت کے بعد وہ کہہ جا کے چھ کمیٹی بنا رہا ہوں, ان میں سے ایک امیر کا انتخاب کر لینا. کیوں چھ میں سے کیوں کر لوں جمہوریت. ابو بکر دنیا سے جا رہے ہیں صحابہ سے کہتے ہیں ہاں بلاؤ ادھر آؤ, عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اٹھو لکھو اور چھت پہ کھڑے ہو جاؤ اور میرا سلمان کو سنا دو. کیا ہے بھائی میں عمر کو اپنے پاس خلیفہ بنا کر جا رہا ہوں. بعد میں کہا امین مومنی عمر کو بڑا طاقت ہے, یہ تو ابھی ہم نے نہیں چھوڑا جب طاقت اس کے پاس نہیں ہے. جب آپ خلیفہ دیکھ اتنا غصے والا اور اس کو جب خلیفہ بنا کر جائیں گے تو یہ دروازے پیپر ڈالے گا بھائی ہمارا جیا ڈبر کر دے گا. اب نے کہا نہیں میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں, رب مجھ سے پوچھے گا امت کے بعد اور کس کے ہاتھ میں لے کر آئے ہو, میں کہوں گا تیری امت میں سب سے بہتر بندہ تھا عثمان غنی نے کہا. میرے مرنے سے پہلے پہلے سنا دو اس قربان کو کہ اپنے بات امت میں بنا کر جا رہا ہوں. یہ نامنیشن جمہوریت میں ہے, نام نیک ہوتا ہے. بڑا خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں ہی نہیں اپنی امتوں میں سے بھی سب سے بہتر اللہ کا بندہ ہے. وہ آج کے دور میں اس کو عامریت کہیں بنا کر کے عمر نے کیا مشورہ بنا انتخاب کر لیا عثمان. اور جہاں یہ مجھے کہنے دیجیے کہ جہاں یہ بات پھیل گئی عوام الناس میں پھر اس کے بعد بنو میاں بنو عباس بن یزید اور حسین کی سیاسی سے مار کا آگے شروع. جب یہ قوت کمزور ہو گئی تو پھر یہ سوال پیدا ہو. تو آپ کے اندر جو جمہوری مزاج ہے ہی نہیں اسلام کا مزاج ہی نہیں, یہ ہاتھ اٹھانے والا اور ڈال اکیاون بے وقوف دکھ جائیں گے اور 50 عقل مند آ جائیں گے. اگر میں بچا سکے اور بے خود اکیاون لیکن اکیاون کے ہاتھ ہو گئے تو ضمنی الیکشن ہو گئے آپ کے سامنے. رزلٹ دیکھ لیا آپ نے کیا ہوا سامنے آ گیا دیکھ لیا کہ وہ عورت جو تھی وہ گئی اور وہیں جا کر اسے پٹائی کر دی پٹائی کر اور اس کے بعد کچھ آ کر کے لیوا بوتی ہو کر کے تو ضمنی الیکشن کا ابھی ایک ٹریلر چلا ہے, شریعت کا ایک ٹریلر چل گیا ہے آپ کے سامنے. اعلان اعلان جنگی کی چوٹ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ کھلی جو ہے وہ منڈی لگی بولی لگی 65 کروڑ تک گئی. جو 65 کروڑ آج دے کر کے سینٹ کا ممبر بنے گا پھر وہ کم سے کم 2 ارب جا کر کمائے گا سمجھے. تو یہ سب چلنا چاہیے, ساری خاشی ہونی چاہیے, ساری روزانی ہونی چاہیے, بسنت کے میلے ہونے چاہیے, ساری رنگریاں اس پاکستان میں ہونا چاہیے. صرف حج پر پابندی لگا دو سمجھے, چونکہ ملک کا بچہ بچہ محفوظ ہے. اور عمرے کا تو بھائی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ حکم ہی نہیں دیا ہے, عمرے کا تو کوئی مسئلہ ہے. اب آپ سوچیے جب یہ ذہن ہو جائے تو آپ سوچیے کہ دوسروں کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں. اگر ہمارے علماء بلکہ ابھی تو یہ سارے علماء بین المذاہب کانفرنس کی جس میں آپ کے سلسلے ساتھ تھے, اہل حدیث کی نمائندگی کر رہے تھے, جماعت اسلامی کی نمائندگی بھی ہو رہی اور دیگر جماعتیں بھی اس کے اندر نمائندگی کر رہی تھی, عیسائی نمائندہ بھی تھا اور آپ کے دیوبندیوں کی جو وفاق المدارس کے جو اس وقت سب سے بڑے جالندری صاحب جو ہیں وہ بھی اس میں اور سلسلے ساتھ تھے. سب بین المذاہب آپس میں تعاون تعاون کس بات کتاب ہوں بھائی یاد کتاب
تعالوا الى كلمه سلام بيننا وبينكم, اهل الكتاب آ جاؤ ایک دوسرے کے ساتھ ہم مل جائیں. اس شخص پر جو ہمارے کرم جگہ مشترکہ ہے اللہ نعبد الا اللہ پہلی چیز ہے, اوباما سے پہلی بات یہ کہنی ہے آ جاؤ اللہ نعبد الا اللہ اللہ نشکر, ایک اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو ٹھیک جائیں. اور ہم نے کہا بات بات تو ہم نہیں بنائے, وہ تو کہتا ہے کہ یسوع مسیح خدا ہے. اس کلمے پر آ جاؤ, قرآن یہ کہتا ہے یاد کتاب تالو الا کلمہ سبائے بیان کرتا ہے. عقیدے کی جنگ لڑنی یاد رکھی, عقیدے کی جنگ ہمارے کی جنگ نہیں, حکمت اور مسئلہ کی یہ معنی نہیں ہے کہ حکمت ہی باقی بچے اور جس حکمت کے ذریعے دین پھیلانے کی دعوت دی جا رہی تھی وہ دین ہاتھ چلا جائے اور حکمت رہ جائے گا, یہ معنی نہیں. وضو الا سب لی رب کا تو بات لمبی ہوتی چلی جائے گی, آتا وقت آپ نہیں لوں گا, میں نے ایک گھنٹہ ہو رہا ہے تو اس کو ذہن میں رکھیے کہ یہ جو جاہلیت کی یہ ساری لہریں اٹھ رہی ہیں معاشرے کے اندر, ہمیں اور آپ کو اپنا ذہن بنانا ہے ان سب سے قدم نہیں کرنا. ایک ساتھ اخرو سلسل میں کام تھا, اے ایمان والو دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اگر تم انہوں نے کتاب وہ تخم بات کتاب کے بعد حصے کو لیتے ہو اور بعد حصے کو رد کر لیتے ہو, یہودیوں کی طرح ایسا ایسا نہیں کرنا, پورا دین لینا کیرن کے ساتھ ہمت کے ساتھ. اور دنیا میں جو لوگ ایسے ہیں اللہ کا شکر ہے, آپ دیکھیں کہ بقول اقبال کے کہ جہاں میں مصری خورشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے. تو یہ نہ سوچی کہ آپ بھی اپنے سر دین سے اللہ کے بندو پناہ کے لیے در بدر کر دیں گے تو اللہ کی زمین ان کو پناہ نہیں دے, بس اس کے لیے ہمت والے لوگ چاہیے.